नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आखिरकार राजेश पाल जी हमें मिल चुके हैं, बड़ी मेहनत करी इनके पीछे, तो आज इनके दर्शन हो चुके। तो राजेश पाल जी स्वागत है आपका। नमस्कार भाई, मैं राजेश पाल, प्रदेश अध्यक्ष जेबीटी स्टेट पास एसोसिएशन हरियाणा। अच्छा राजेश पाल जी, आपकी जो ये फाउंडेशन है, एसोसिएशन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, जेबीटी स्टेट पास एसोसिएशन एकमात्र ऐसा संगठन है जो जेबीटी भर्ती के लिए निरंतर जो है वो 3 सालों से प्रयासरत है, जिसमें हमने मैदानी जंग भी लड़ी, रैलियां भी की, धरने किए, प्रदर्शन किए, आमरण अनशन किए और कोर्ट केस भी किए, और अब जाकर के मतलब थोड़ा सा हमें ये विश्वास हुआ है कि सरकार अब जो है हमारी जरूर सुनेगी, हमारी नहीं तो कम से कम कोर्ट की तो जरूर सुनेगी, और लोकतांत्रिक नियमों का पालन करते हुए जेबीटी भर्ती का विज्ञापन जो है वो शीघ्र जारी करेगा। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा। जी, जैसा लास्ट टाइम आपने बोला था कि खट्टर साहब की जो सरकार है उन्होंने लिखित में आपको दिया था कि वैकेंसीज हम निकाल देंगे। जी, तो उन्होंने वैकेंसीज नहीं निकाली, तो आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए सर, मर जाना और मुकुर जाना किसी के बस की बात नहीं है। तो उस टाइम इन्होंने वोट लेने थे, उनको पता है 90,000 लोग हैं, विधानसभा का चुनाव नजदीक है, इसलिए बकायदा उन्होंने स्टैंप मार करके मैं आपको दिखा दूंगा, वो व्हाट्सएप कर दूंगा, वो बाकायदा लिखित में दिया हुआ है कि हम आते ही जो है पहली कलम से आपकी भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी करेंगे। लेकिन सरकार आज जो है उनको सत्ता मिल गई है, वो आज वो कुर्सी के ऊपर बैठ करके वो उद्मत नशे में आज जो है उन्मुक्त हैं, उनको जेबीटी वालों का कोई शुद्ध बुद्ध किसी प्रकार की नहीं है। एक कुशल राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का विशेष तौर पर अच्छे से ध्यान रखता है, तो ये एक कुशल राजा के लक्षण है। लेकिन जो आज मनोहर सरकार है, जो मनोहर लाल जी हैं, आज जो है वो सत्ता के नशे में चूर चूर है। आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन एक क्वेश्चन ये है मेरा। जी, हरियाणा के अंदर बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, तो ऐसे में फिर भर्ती कैसे निकल सकती है? देखो मेरी बात सुनो सर, 2012 से अब तक 8 सालों में रिटायरमेंट भी हुई है, प्रमोशन भी हुई है, और इस साल 1 लाख से ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स की जो मतलब संख्या जो सरकारी स्कूलों में बढ़ी है, तो आप ये लगा लीजिए कि 1 लाख बच्चे तो बढ़े ही हैं, प्लस में इन 8 सालों में रिटायरमेंट्स लगा लीजिए, प्रमोशन लगा लीजिए, हेड टीचर्स भी बने हैं, लेक्चरर्स भी बने हैं, HCS भी प्रमोट हुए हैं, बहुत सारे एवरेज यदि हम बात करें 500 से 600 जो अध्यापक हैं वो हर साल रिटायर होते हैं। यदि हम 500 की भी एवरेज लगाएं तो 8×5=40, 4000 तो से ऊपर तो रिटायरमेंट बैठती है, पीछे 3200 इन्होंने प्रमोट भी किए थे, हेड टीचर बने थे जो। तो बात यदि मैं रिटायरमेंट की भी बात करूँ तो वो भी 7 से 8 हज़ार जो है वो कैंडिडेट हैं, और गेस्ट टीचर्स जो है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हटाने के आदेश दिए हुए हैं, इन्होंने सर्विस एक्ट ला करके उनको, क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं। मैं सीधा यहाँ पर बोलूँगा कि उन्होंने पैसे दिए हैं, सरकार को पैसे दे करके वो एक्ट लेके आए, पिछले जो शिक्षा मंत्री थे बाकायदा उन्होंने पैसे खाए हैं, मैं आज बिल्कुल सरेआम कहता हूँ, उन्होंने पैसे खा करके ये सर्विस एक्ट लेके आए, माननीय मनोहर लाल के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला कि एक्ट लेके आए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा आप उनको लेके आ नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आदेश दिए हुए हैं कि उनको हटाने के लिए, तत्काल सेवा मुक्त करने के लिए। तो एक बात का जवाब दीजिए कि आज ये सिर्फ अपनी मनमानी कर सकते हैं, संविधान की कोई वैल्यू नहीं है, कानून की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे जो मौलिक अधिकार है, एक जायज आदमी, एक एस्टेट पास वेल क्वालिफाइड जिसका अधिकार बनता है, वहाँ पर हक बनता है वो पोस्ट को वो करने का, जो ये सब वो हमें दिया नहीं जा रहा, उल्टा और गलत जो कार्य है वो कर रहे हैं, और अच्छेपन का अपना ढिंढोरा है वो पीट रहे हैं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये यहाँ पे, जो ये गेस्ट की आप बात कर रहे हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि गेस्ट जो इनका एस्टेट नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, एस्टेट नहीं है, और मापदंड भी पूरा नहीं करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था इनको, इसी वजह से हटाया था कि मैं आज ज्वाइन आज कर रहा हूँ और ज्वाइनिंग के 2 महीने बाद मैं कंपार्टमेंट क्लियर कर रहा हूँ, मेरी जब एक बिल्कुल एलिजिबिलिटी ही क्लियर नहीं है, वो तो बाकायदा गांव में जो इनके लिए कोई नॉर्म्स भी नहीं थे, SC BC बाकायदा एक प्रॉपर क्राइटेरिया बनता है, ये SC BC की इतनी पोस्ट हैं, जनरल की इतनी पोस्ट हैं, ESP की इतनी हैं, या और जितने डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनकी बाकायदा जो है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ आती है वो उसका बाकायदा कहीं पर मेंशन ही नहीं किया गया, बिल्कुल सरेआम खुलेआम धड़ल्ले से जो BODO ने लगा दिए थे, और वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए बाकायदा, वहाँ से वो हारे, उनको तत्काल सेवा मुक्त करने के आदेश दिए गए, लेकिन सरकार ने पैसे खाकर उनको एडजस्ट कर दिया। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सर मेरी बात हो रही है, मैं एक बात ये कहता हूँ भाई, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है,
ना मैं ये कहता हूँ कि मुझे ना किसी पार्टी विशेष से जोड़कर देखा जाए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यदि मेरी भाई किसी कांग्रेस में या किसी और पार्टी में अगर कहीं पर कुछ होती तो मैं 1870 की भर्ती जब आई थी उसमें इंटरव्यू में रह गया था। लोगों के 33 में से 32 नंबर लगे थे भाई, मेरे 14 नंबर लगे थे। तो यदि मेरी इतनी सेटिंग होती तो मैं उस टाइम नौकरी लग जाता, मुझे क्या जरूरत थी। ये बात भी सही है, मानते हो आप ये बात। और मुझे अपना हक लेना है, मुझे किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई भी मुझे पार्टी विशेष से जोड़ करना देखा जाए। अच्छा, तो सर आपकी जो ये फाउंडेशन आपने चला रखी है अभी, जी JBT स्टेट पास एसोसिएशन है जो, तो इसमें कितने कैंडिडेट्स हैं अभी आपके पास जो जुड़े हुए हैं अभी एक्टिव मेंबर्स? अगर बोले एक्टिव की भी हम बात करें सर 30 से 35 हज़ार। तो 30 से 35? हाँ जी जी। अच्छा, तो जैसा हम देख रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपके जो मेंबर, बिल्कुल 22 के 22 जिले हैं, उनमें ग्रुप हैं, एडमिन हैं, बाकायदा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, सारे के सारे जो सभी को जो पूरी कार्यकारिणी है उनकी सभी की सहमति के साथ जो है प्रॉपर निर्णय लिया जाता है और वो उसके अकॉर्डिंगली जो आगे जो दिशा निर्देश होते हैं वो जारी किए जाते हैं। अच्छा अच्छा।